नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीबी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नरसिंहपुर जिले के करेली तहसील के सरकारी अस्पताल से महज 3 से 4 किलोमीटर दूर जौहरिया गांव में प्रसूता को संजीवनी 108 एम्बुलेंस न मिल पाने के चलते निजी वैन से अस्पताल लाते समय रास्ते में बच्चे को जन्म देना पड़ा। हालात ये रहे कि अस्पताल में भी 108 एम्बुलेंस खड़ी मिली और दूसरी 108 एम्बुलेंस करेली थाने में मिली, पर प्रसूता को एक रिसीव न हुई। प्रसूता के परिजनों के मुताबिक कॉल सेंटर पर उनको फोन ही रिसीव नहीं हुआ। ऐसे हॉल में उन्हें देर होने के चलते निजी वाहन से करेली अस्पताल आना पड़ा, जिस दौरान रास्ते में ही प्रसूता ने बच्चे को जन्म दे दिया। यहाँ भी कोई महिला न होने के चलते स्टाफ नर्स के भरोसे इलाज किया जा रहा। फिलहाल दोनों की सेहत ठीक बताई जा रही, पर कहीं ना कहीं ये सिस्टम की मनमानी को साफ बता रहा है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा, कब तक यूं ही जनता परेशान होती रहेगी। आधा घंटा लगाया उसका, कब लगा तो उठाता ही नहीं। फिर हमने कही कोई की तो ले आओ जी, अपन बहू तो ले जाए। रोल लगी बहू हमारी तो मंडी की तैयार, मतलब जन्म ले लो लड़कान। 108 पे फोन लगाया? हाँ, लगाया था हमने। कितनी बार? 2-3-4 बार लगाओ हमारे मोड़ा ने। कब आओ? तो वो उठा ही नहीं रहा। वो तो मन कही मम्मी तुम और का कर रही के जल्दी बहू हमारी। मैंने कही भैया तुम बा मैंने लगे रहो, तुम जब नहीं आ रहा है कपाड़ी दूर है जो हार गया बता मंडी की तरह। डिलीवरी वालों ने 100 नंबर को फोन लगाया, जन्नी वालों को, तो फोन उनका लगा नहीं है, उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो उनके परिवार वालों ने मेरे को फोन लगाया, मैं रास्ते में ला रहा था तो रास्ते में डिलीवरी हो गई। फिर वहाँ उनको बहुत परेशानी हुई, फिर वहाँ से मैं यहाँ लाया सरकारी अस्पताल, फिर मैंने यहाँ छोड़ा बस। कितनी बड़ी विडंबना मानते हैं आप? अरे बहुत बड़ी लापरवाही है इसमें। किया था आपने 108 को? हाँ, लगाया था। कितने बार? 2 दान लगाया था। हाँ। और गाड़ी थोड़ी लेट हो गई तो फिर प्राइवेट गाड़ी में लेके आए। कितनी लेट हो गई गाड़ी? वो आधा घंटा तो हो गए सर। कब से फोन लगा रही थी 108? हाँ, 2 दान तो लगाया है। दोनों ठीक है, बस थोड़ा टीयर आ गया, बाकी दोनों ठीक है। सब अच्छे दोनों ठीक है। क्या बताया, कैसे हुआ डिलीवरी? डिलीवरी गाड़ी में हुई। यहाँ जब लाए तब कैसी हालत थी? बच्चा लेके आए तब हमने माँ को लेने भेजे, बाकी माँ को तो वहाँ गाड़ी से लेके आए थे, बच्चे को आशा लेके आए। दोनों स्वस्थ। करेली से मनोज विश्वकर्मा की रिपोर्ट।